सीपीएस केडी भंडारी की बड़ी बहन स्वर्गीय राज रानी कपूर अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा और रस्म उठाड़ा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गुरु पुराण जी की कथा का भोग डालकर स्वर्गीय राज रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक जलंधर कैंट नरेंद्र सग्गो, नरेश मलहो, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, प्रेमनाथ भल्ला, मनीष धीर, तरसेम कपूर, राजू थापर, सतीश मल्होत्रा, अशोक गांधी, मुरली वधवा, अनिल पाठक, श्री देवी तला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बैवल, सुभाष सूद, पूर्व मेयर जगदीश राजा, अमरजीत सिंह अमृत सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा बजरंग कपूर, एआर भंडारी, मधु भंडारी, विजय भंडारी, मंजू भंडारी, हीरालाल भंडारी, उमा भंडारी, केडी भंडारी, नीना भंडारी, रेखा, आशीष भाटिया, रीना, हितेश दुगल, रुचि, राकेश धीर, रूपा सहगल सहित शहर की राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राज रानी कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे जीवन में, इनफैक्ट हम सबके जीवन में बहुत कष्ट आए। पहले मैंने अपने पिताजी को खोया 2013 में, फिर मैंने अपने जीवन साथी को खोया 2018 में। उसके बाद बच्चों ने अपने जीवन का भविष्य बनाना ही, मेरे दोनों बच्चे एक एक करके फॉरेन कंट्री चले। मेरी बेटी अपूर्वा, जिसको दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसमें सीट मिली, सीट मिलने की बहुत खुशी, बस एक ही चिंता, फीस कहां से आए। पर फीस मेरी माँ एक, क्या मैं कहूंगे, क्षण की देरी किए बगैर उसने सारी फीस भर दी। बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ना ही चाहिए, ऐसी थी मेरी माँ। बिना स्वार्थ के जो प्रेम करे वो केवल एक ही होता है, कौन, माँ। छोटा है मेरे तो, बहुत बड़े बड़े लोग इतने जुड़ बैठे ने, पहला उन्होंने परमिशन नाल मैं कुछ दो शब्द कहना चाहना कि मैनू इजाजत दो। हाँ, एक बहुत अच्छा जाप है महामृत्युंजय जाप, त्रिंबकम यजामे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्मा रूपमे वंदने मिकते मुक्ष मान। अर्थात कि मेरा अंत इस तरह होए कि जिदा एक फल पेड़ से अपने आप पक के गिर जाता है, उदा मेरा अंत होए। पर असी घर एक अंब का बूटा लाने फटाफट पीकते, कदों पकणगे तो असं तोड़िए, कदों टुक, ये रब के बूटे लाए हुए है, ये उन्ने पकाने हैं। जिदा मेरे मदर की डैथ हुई है, ये उन्होंने भी नहीं पता लगा कि अंब कदों पक गया। सुते सुते ही वो एक बहुत राज ऋषि की मौत गए ने। दो शब्द मैं अपनी मदर के बारे कहना चाहूँगा। फादर साहब असी 2013 ही लॉस्ट हैं। उस तो बाद वो 11 साल जिदा पंडित जी ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा, एक स्ट्रोंग लेडी वंगन बन के वो अगे आए। उन्होंने नहीं परवाह की कि मैं किन्ना पढ़ी हुई हाँ, मैनू की नहीं आता, मैनू साइन नहीं करना आता, मैं कभी बैंक चिक नहीं गई, नहीं। ते चारों कुड़ियाँ अज उन्होंने अपन सारिया कुड़ियाँ, एक काम बहुत वधिया किया उन्होंने, अपनिया चारों कुड़ियाँ पढ़ाइया, पोस्ट ग्रैजुएट कराइया, अज वो अपने पैरों पर खड़िया, किसी ने उन्होंने किसी की चीज़ की लोड़ नहीं। अज असी सारे बड़े भरे मन के नाल उस विछड़ी गुरु को अंतम बधाई देने ले आए। ये मैं देख रहा कि जी सभा है, ये कोई शोक सभा नहीं बल्कि प्रेरणा सभा है। जदों भी किसी व्यक्ति दे असी अंतम अरदास अंदर विदायगी कार्यक्रम जाने हैं तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर सीखते, उन्होंने जीवन तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते। और जो पंडित जी अपने
धार्मिक दृष्टि ने जो कुछ दसते हैं उत्तों भी असं बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो मैं समझदा साडे भैन जी राज रानी जी एक ऐसी व्यक्तित्व सीगा जिन्होंने बतौर भैन के रूप के बतौर माँ के रूप के बतौर पत्नी के रूप के और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप के समाज में बहुत कुछ दिता। आप समझ सकते हैं कि जे पति तो बिना किस ढंग बिजनेस चलाना और अपने परिवार को भी संभालना बड़ा औखा होता, उन्होंने करके दिखाया। इस करके मैं समझता कि प्रेरणा